हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज सुबह सुबह मैं किचन में घी बनाने लग गई हूँ। फ्रिज में मलाई रखी थी, तो हम लोग को कल निकलना है। अगर ये पड़ी रहेगी तो हफ्ते 10 दिन में सही नहीं रहेगा, इसीलिए इसको सोचा कि पहले इसको हटा दें ध्यान से। इसको मैंने निकाल दिया था सुबह ही, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। फिर मैंने इसका जो है मलाई से मैंने मक्खन बना रही हूँ, उस पर इसको चढ़ा दूँगी, घी बन जाएगा। तो मलाई को जितनी बार धुलते हैं ना, उतना ही उसमें से जला हुआ पोर्शन कम निकलता है, जो घी बनने के बाद कढ़ाई में नीचे जमी हुई रहती है। तो इसको मैं 2 से 3 बार धुल लेती हूँ। जितना भी पानी क्लीन रहेगा, उतना ही आपकी मलाई का निकलने वाला जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो मैं 2 से 3 बार धुल लूँगी तो पानी एकदम देखिए क्लीन हो जाएगा, वो दूध जैसा कलर नहीं आएगा। तो देखिए, मैं इसको धुल ली हूँ अच्छे से, इसको धुल लिया है बढ़िया से। तो अब इसको चढ़ा देंगे गैस पर और ये बढ़िया देर पकता रहेगा। तो देखिएगा, फाइनली एक छोटी सी छन्नी है मेरे पास लोहे की, उसमें एक छन्नी सिर्फ निकलेगा इतने सब मक्खन में, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलेगा। तो अगर आप भी ऐसे कर दें 2-3 बार धुल करके, तो आपका भी बहुत अच्छा घी बनेगा और उसमें से वेस्टेज भी कम निकलेंगे। तो फिर देखिए, मैंने इसको चढ़ा दिया, अब ये पकता रहेगा। इधर देखिए, इनके पापा बाल में मेहंदी लगा रहे हैं, निकलना भाई, इनको भी थोड़ा तैयार व्यार होना है। तो बस इनका वाइट वाइट साइड साइड में हो गया थोड़ा, तो इसके लिए कलर नहीं लगाते हैं कोई भी, तो वे मेहंदी लगा लेते हैं, पूरे बाल में भी नहीं लगाते हैं। तो देखिए, इस बीच बीच में आके अपना घी चला दे रही हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए, इतना हो गया लगभग, धीमी आँच पर चढ़ा के मैं चली गई हूँ। इधर देखिए, दोनों भाई बहन अभी खेल रहे हैं, सो के सब लोग उठे हैं सुबह सुबह। तो फिर बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा, जिससे नीचे पकड़े नहीं कढ़ाई में, नहीं तो फिर नीचे पकड़ लेगा तो उसको धुलने में बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो इसी कढ़ाई में हम दूसरा कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सब्ज़ी बना सकते हैं, पर आज तो मुझे मखाना वखाना भून के रखना है, तो वो सब मैं इसमें काम करूँगी। देखिए, मेरा घी भी बन गया, मैंने गैस बंद कर दिया। अब इस बीच में मैंने सोचा कुछ खाने पीने बना दिया जाए, तो मैंगो शेक बना दे। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मैंगो शेक और मलाई वाला ब्रेड बना दिया। ये बच्चे इजली खा भी लेते हैं, पसंद करते हैं इसको ज़्यादा, तो सही भी रहता है, इजी भी रहता है बनाना। पराठा वराठा से भी सही है थोड़ा जल्दी बनाना। आज टीवी धीमा करो, देखो मैंगो शेक पियोगे? क्या पियोगे? क्या पियोगे फिर? टैंग पियोगे? अच्छा वंश, आप क्या पियोगे? मैंगो शेक। मैंगो शेक। देवो आप क्या पियोगे? टैंग। तो देखिए, वर्ष पियेंगे मैंगो शेक, वेदिका पियेंगी, बेबू पियेंगी टैंग। तो इनके लिए टैंग बना रहा हूँ मैं, मैंगो शेक तो रेडी है, टैंग टैंग अभी नहीं बनाया है, टैंग बनाया। तो अब देखिए, मेरा घी थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको छान करके डिब्बे में रख दूँगी। तो देखिएगा, आपके सामने मैं छानूंगी, ये जो छन्नी है छोटी छन्नी है, बस इतना ही निकलेगा, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलेगा। और जबकि अभी देखिएगा कितना सारा घी निकला है, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा था, अच्छा खासा घी भी निकल जाता है और वेस्टेज भी कम निकलता है। तो देखिए, अब इसी कढ़ाई में मैं वो बना ले रही हूँ, मखाना भून ले रही हूँ ले जाने के लिए रास्ते में, और बच्चों को पसंद भी है। और इनके पापा इसी बीच में वो तहरी बना दे रहे हैं, क्योंकि मैं तब तक मूंगफली भूनूंगी, मखाना वखाना ये सब काम कर रही हूँ, बच्चों का काम कर रही हूँ, पैकिंग में भी जो हो पारा कर ले रही हूँ। और ये इसी बीच में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे रहे हैं, तहरी बना दे रहे हैं उधर वो, इधर मैं बच्चों को नहला वहला करके रेडी कर ले रही हूँ, जिससे कि जितना काम फटाफट हो जाए, थोड़ा मार्केट भी निकलना है,
कुछ खरीदना वरीदना भी है बच्चों के लिए भी खुद के लिए भी, तो मिलजुल के ही काम हो पाता है। अगर एक ही के ऊपर पूरा बर्डन रहेगा तो फिर काम भी देर से होगा और फिर जो है आदमी परेशान भी ज़्यादा होता है, तो मिल के करने में एक ना मज़ा भी आता है। अभी देखिए कि आज ये घर पर हैं तो मैक्सिमम कोशिश ये भी करते हैं कि हेल्प करें, ऐसा नहीं कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही देखते हैं कि कहाँ हो सकता है पॉसिबल उतना कर देते हैं। और वैसे भी आज छुट्टी पर हैं तो कोई कॉल वॉल भी नहीं है ऑफिस की। तो देखिए हम लोग नहा वाले थे सब जन, फिर कपड़े उपड़े हो गए थे तो सोचा कपड़े छत पर डाल दें जिससे सूख जाए, क्योंकि घर में बालकनी में तो उतना सूख नहीं पाएंगे। तो आज धूप भी मतलब थोड़ी धूप भी निकली है, कल तक तो मौसम था बारिश बारिश था, सुबह ही बारिश हुआ था लेकिन दोपहर तक देखा धूप निकल गई, तो हम लोग कपड़े उपड़े भी छत पर डाल दिए और फिर ये फटाफट सूख भी गए थे। फिर हम लोग कपड़े उपड़े रख करके फिर हम लोग गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने चले गए थे। तो देखिए बाहर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, आसमान देखिए अभी बादल बादल था लेकिन आसमान अभी क्लियर है बिल्कुल। तो हम लोग मिल करके कपड़े भी फैला ले रहे हैं, इससे क्या होगा मिलकर मिलजुल के काम करेंगे तो ये भी हो जाएगा जल्दी से, और जल्दी से इसको फैला करके हम लोग को ना मार्केट निकलना है। तो सोचा था ये इसे हटा भी लें, इसको टाइम लेगा, ये ना पता चले कि हम लोग मार्केट चले गए, आंधी तूफान का ही टाइम है, कभी बारिश हो सकती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर फैलाने आ गए छत पर कपड़े उपड़े। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक देखिए कबूतर दिख रही है वाइट कलर की, कितनी प्यारी लग रही है। कबूतर वैसे बहुत है पर वाइट कम है, ज़्यादा नहीं दिखती है, एक दो ही दिख जाती है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर ना एयरपोर्ट बहुत पास में, तो देखिए एयरप्लेन आ रही है, करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही है हमारे घर से। तो देखिए यहाँ पर लैंड करते हुए भी दिखती है, वैसे दिख रही है दूर, यहाँ कैमरे में दूर दिख रही है पर एक्चुअल में इतनी दूर है नहीं। इसको देखिए जूम करके दिखा रहे हैं तब जाकर क्लियर दिख रहा है, और देखिए लैंड करते हुए दिखती है हमारे छत से कि कैसे लैंड कर रही है, देखिए लैंड कर गई। तो ये सब व्यू है, बगल में इसके हमारे घर के बगल में ही ट्रेन जाती है वो भी देखने को मिल जाता है, बच्चे सब कुछ इन्जॉय कर ले रहे हैं, इन्जॉय भी होता है कभी कभी डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, लेकिन अब तो हम लोग की हैबिट हो गई, जब नए नए आए थे ना तब हम लोग को पता मतलब तब हैबिट नहीं थी, तो फिर जैसे ट्रेन जाती थी तो हम लोग को नींद में भी लगता था कि अरे कुछ तूफान आ गया क्या, बारिश हो रही है, ऐसा लगता था, लेकिन अब तो हैबिट हो गई, अब तो सो जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही ना हर चीज़ की हैबिट जब पड़ जाती है किसी भी चीज़ की तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, वही नए नए में सब चीज़ में दिक्कत होती ही है। वैसे हम लोग के साथ भी है, देखिए हमारे कपड़े उपड़े भी फैला दिए गए हैं और बेबू भी बैठ करके कुछ अपना में यहाँ पर पत्थर वत्थर जमा किए हैं, ईंट ऊट खेल उल रही हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सबकी कपड़े फैल चुके हैं और मैं हमेशा यहाँ आके फैलाता रहता हूँ, ठीक है। सब तरफ देखिए कम से कम 100 कपड़े मैंने फैलाए हैं और सारे हस्बैंड ऐसे ही काम करो नहीं तो बहुत पिटाई होगी। तो सारे हस्बैंड मुझे देख के जेलस ना हो, अच्छा लगेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर कंट्रीब्यूट करोगे काम करोगे तो मज़ा आता है सपोर्ट करने में, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, धीमे धीमे स्टार्ट करिए, चाय से शुरू करिए, ठीक है। फिर आइए धीमे धीमे कपड़े फैलाने पे, फिर खाना बनाने पे, फिर बच्चों को देखने में, ठीक है। तो जल्दी करने की बात नहीं है, ओके। तो मैं देखिए हमारे कपड़े फैला दिए गए, इन्होंने अपने ज्ञान की बातें भी बता दी, तो खैर वो तो हंसी मजाक थी कि पिटाई होगी ये सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ सही है कि अगर आप मिलजुल के करते हैं तो वाकई में अच्छा लगता है, और तो कोई सपोर्ट है नहीं आपके अलावा में, तो मिलजुल के करना चाहिए काम। देखिए मेरे कपड़े फैला दिए गए हैं और हम जा रहे हैं घर, थोड़ा सा भी देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने क्योंकि कल हम लोग को निकलना है घूमने बैंगलोर। देखिए पीछे हमारी ट्रेन जा रही है, बेबू मेरे टकलू हो गई हैं, तो देखिए हम लोग आ गए फ्यूनिक्स मॉल जो कि हमारे घर के पास में है, उसमें हम लोग मैक्स में गए शॉपिंग करने। ये काफ़ी अच्छा है मैक्स में, हम लोग को ड्रेस भी पसंद आता है, प्राइस भी इसकी सही लगती है। तो देखिए बेबू अपना एक बैग उठाएँ, उसमें अपनी सारी पसंद की चीज़ें भर रही हैं और सब भर लेंगी, फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको यहीं पर छोड़ के चले जाएँगे क्योंकि उसमें से कोई लेने वाली सामान नहीं होती, कुछ भी साइज़ का कुछ भी भर लेती हैं। तो इनका इधर हो रहा शॉपिंग, उधर हमारी हो रही बिलिंग,
तो बस हम लोग बिलिंग करा के घर निकलने वाले हैं। फटाफट हम लोगों ने शॉपिंग किया, ज़्यादा डिले नहीं किया क्योंकि पता है टाइमली बच्चों को सुलाना भी है खिला पिला के। देखिए रात के 11 बज रहे हैं, हमारी पैकिंग हो रही है सुबह जाने की। देखिए सब बैग रेडी कर रहे हैं, अपना और वंश का कपड़ा इसमें रखना ही है और मैं अपना और बेबू का अलग रखूँगी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सबको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट मैक्सिमम पैकिंग अभी रात में कर लो ताकि सुबह जल्दी जल्दी ना हो, नहीं तो फिर सबको जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ छूटेगा। सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फटाफट थोड़ा थोड़ा रख लो। तो देखिए आज हमने अपनी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, देखिए एक स्टॉल लिया बेटा और टी शर्ट, ये क्रॉप टी शर्ट है और एक प्लाजो और ये दो नॉर्मल टी शर्ट हैं, ये दोनों ठीक है कम। फिर ये भी एक पैंट है और एक ये टॉप है। इतनी शॉपिंग आज मेरी हुई है, बाकी मेरे पास जो है वो सब ले जाऊंगी। एक दो मम्मा का तीन और एक आपका चार हैंड बैगेज। इधर देखिए कितने सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हैं, कुछ प्रेस करना है इसमें से बेबी को मैक्सिमम प्रेस करने का, इससे ज्यादा जाड़ा तो नहीं पड़ेगा। मैं एक विंडचीटर डाल ले रहा हूं, अगर वहां पर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस है ऊटी में तो थोड़ा अगर हल्की फुल्की ठंड होगी तो उसके लिए एनफ। बच्चों के लिए पर रखना पड़ेगा ना कुछ जैकेट, एक जैकेट बच्चों के लिए।